नंबर एक। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केले का प्रोडक्शन भारत में होता है, लेकिन एक बार जब पेड़ पे केले लगते हैं तो उसके बाद वो पेड़ किसी काम का नहीं रहता और वो वेस्ट चला जाता है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल सैनिटरी पैड बनाने के लिए किया जा रहा है, कैसे चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आपके प्यार की जरूरत है। दरअसल ये है अहमदाबाद की साथी कंपनी जो केले के पेड़ के वेस्टेड मटेरियल को इस्तेमाल करके बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड बना रही है, जिसे बनाने के लिए पेड़ की बॉडी को अलग करके लेयर बाय लेयर निकाला जाता है, फिर उसे फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है और कई प्रोसेसेस के बाद इसे कॉटन में बदलकर 100% सेफ्टी के साथ पैड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अगर इस पेड़ को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक पेड़ से कम 3000 पैड्स बनाए जा सकते हैं, जिसे साथी कंपनी रूरल एरिया में ज्यादा प्रोवाइड कराती है। साथी कंपनी ने अब तक 20 लाख से भी ज्यादा पैड्स महिलाओं को बांटे हैं। नंबर दो, इलॉन मस्क अब ऐसी चिप लेके आ रहे हैं जिससे आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो तक पढ़ा जा सकता है। लेकिन क्या करेंगे वो ऐसी चिप लाके, जानते हैं। लेकिन उससे पहले A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बहुत काम आएगा। दरअसल इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को हाल ही में उनकी चिप की ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन दे दी गई है, जिसके तहत अब वो इंसानी दिमाग में एक चिप डालने वाले हैं जिससे दिमाग की सारी बातें पढ़ी जा सकती हैं। दरअसल ये चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी जो विकलांग लोगों को चलने और फिरने में मदद करेगी। इस चिप में स्टोर किए गए डेटा का इस्तेमाल भविष्य में होने वाली रिसर्च में भी इस्तेमाल किया जाएगा। कहते हैं इस चिप के जरिए आप क्या सोच रहे हैं ये भी पता चल सकता है, साथ ही मशीनों से बात भी की जा सकती है। गाइज, आपको क्या लगता है कि दिन ब दिन आने वाली नई नई टेक्नोलॉजी कहीं हम पर हावी ना हो जाए और हमारा नुकसान ना कर।